हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक डिजाइन बाय रोशन पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फोटोशॉप के हेल्प से किसी भी फेस में मौजूद पिंपल्स को हाइड करते हैं। तो इसे समझने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मेरा एक फेस का इमेज है एंड इस फेस में फ्रेंड्स आप बहुत सारा यहाँ पे पिम्पल्स देख रहे होंगे, तो हमें इसी पिम्पल्स को हाइड करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे हाइड करने के लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यहाँ पे लेयर्स के पैनल को ओपन करना होगा। तो हमें सिंपली विंडो के मेन्यू में क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लिखा हुआ आ रहा होगा लेयर्स। तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके लेयर्स के पैनल को यूं ओपन कर लेना है। लेयर्स के पैनल को ओपन करने के बाद हमें इस लेयर का एक कॉपी लेना है। तो कॉपी लेने का यहाँ पे मेरे पास दो तरीका है। पहला, इस लेयर को पकड़िए और ला के ये जो मेरा प्लस का आइकन है इसके ऊपर हमें ड्रॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे इस प्लस के आइकन पे ड्रॉप करता हूँ तो हमारे यहाँ पे कॉपी जनरेट हो जाता है। या फिर हम कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं कंट्रोल प्लस जे। हमें लेयर को सिलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस जे। मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस जे प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फिर से एक लेयर का यहाँ पे कॉपी जनरेट हो चुका है। लेयर का कॉपी लेने के बाद हमें इस लेयर को इन्वर्ट कर देना है, यानी कि इसके कलर को हमें इन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए भी मेरे पास दो प्रोसेस है। पहला, या तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए कंट्रोल प्लस आई, यानी कि हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड कीबोर्ड से प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस आई। में जैसे ही कंट्रोल प्लस आई प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो लेयर है वो उसका जो कलर है वो हमारा इन्वर्ट हो चुका है। तो पहला तो मेरा ये तरीका है एंड दूसरा हमारा तरीका है कि हमें जाना है इमेज के मेन्यू में एंड यहाँ से एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लिखा हुआ रहा है इन्वर्ट, यानी मैं जैसे ही इन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो इमेज का कलर है वो हमारा इन्वर्ट हो जाता है। कलर को इन्वर्ट करने के बाद हमें इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के लिए हमें सिंपल इस ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से फ्रेंड्स हमें ब्लेंडिंग मोड लेना है विविड लाइट, ये वाला हमें ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चूज करना है। हमें सिंपली इसके ऊपर हिट कर देना है। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद हमें जाना है फिल्टर के मेन्यू में एंड यहाँ से हमें जाना है अदर में एंड अदर में जाने के बाद हमें चूज करना है हाई पास एंड इसके ऊपर हमें सिंपली हिट करना है। जैसे ही इसके ऊपर हिट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहां पे एक अलग सा हाई पास का पैनल खुल के ओपन हो जाता है। यहां पे अभी इसका रेडियस आप देख सकते हैं कि मेरा जीरो है। हमें इसके रेडियस को इंक्रीज करना है। जैसे ही इसके रेडियस को इंक्रीज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज वो धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट हो चुका है। मैं जैसे ही इसे ज्यादा ही इंक्रीज करता हूं आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा ब्लरनेस अप्लाई हो चुका है। हमें इसके रेडियस को इतना इंक्रीज करना है ताकि हमारा ये जो आप पिंपल्स देख रहे हैं वो हमारा हाइड हो जाए। ये हमारा हर एक इमेज पे अलग अलग वर्क करेगा। हमें सिंपल इसका यही प्रोसेस याद रखना है फ्रेंड्स कि हमें इसे इतना ही इंक्रीज करना है जिससे हमारा ये पिंपल्स हाइड हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा पिंपल्स हाइड नहीं हुआ है तो मैं इसे और थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थोड़ा थोड़ा पिंपल हाइड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसे हल्का सा और यूं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इस फेस में हमें कोई भी पिंपल नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें सिंपल ओके के ऊपर हिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा हाई पास का जो फिल्टर है वो अप्लाई हो चुका है। हाई पास का फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमें फिर से फिल्टर के मेन्यू में जाना है एंड इस बार हमें अप्लाई करना है ब्लर। एंड ब्लर कौन सा ब्लर, तो हमें यहाँ पे लेना है गॉसियन ब्लर। ब्लर का तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा वेराइटी है बट हमें यहाँ से चूज करना है गॉसियन ब्लर एंड इसके ऊपर सिंपली हमें हिट कर देना है। तो जैसे ही मैं गॉसियन ब्लर के ऊपर हिट करता हूँ तो फिर से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक और पैनल खुला और ये जो हमारा पैनल है वो हमारा गॉसियन ब्लर का पैनल है एंड इसके भी रेडियस को हमें इंक्रीज करना है। तो इसके रेडियस को हमें इतना ही इंक्रीज करना है ताकि मेरा ये जो ब्लरनेस है वो मैनेज हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसे फुल हाई कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से मुझे पिंपल्स नजर आने लगा है, बट हमें इतना नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें हल्का कम करना है। तो आप यहां से भी माइनस करके आप देख सकते हैं कि हमें इतना कम करना है ताकि मेरा जो पिंपल है वो हाइड हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा पिंपल्स हाइड हो चुका है। नाउ फ्रेंड्स, हमें फिर से ओके के ऊपर यहां पे हिट कर देना है। यहां तक मेरा काम हो चुका है। अब हमें इस जो ऊपर वाला जो लेयर है फ्रेंड्स, हमें इस लेयर में अप्लाई कर देना है लेयर मास्क। तो इसे अप्लाई करने के लिए हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा लिखा हुआ आ रहा होगा
एड लेयर मार्क्स, हमें सिंपली फ्रेंड्स इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा लेयर मार्क्स अप्लाई हो चुका है। हमें फ्रेंड्स मार्क्स के ये जो मेरा थंबनेल है हमें इसे सिलेक्ट करना है। याद रहे हमें इमेज के थंबनेल को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिलेक्ट करना है मार्क्स के थंबनेल को। एंड यहां पे फ्रेंड्स हमें इस मार्क्स को कर देना है इन्वर्ट। तो इन्वर्ट हमें सिंपल कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके हम इसे इन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल फ्रेंड्स मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दे रहा हूं कंट्रोल प्लस आई, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहां पे मार्क्स अभी हाइड हो चुका है, यानी कि अभी मैंने जो यहां पे फिल्टर अप्लाई किया था वो फिल्टर यहां पे फ्रेंड्स मेरा थोड़ी देर के लिए हाइड हो चुका है। क्यों हाइड हुआ है? क्योंकि यहां पे मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। नाउ फ्रेंड्स अब हमें लेना है ब्रश। ब्रश का फ्लो याद रहे फ्रेंड्स हमें एकदम कम रखना है, जैसे कि मैं यहां पे रख ले रहा हूं अप्रोक्स 35, सही है फ्रेंड्स हमें इतना ही रखना है। एंड इसका हार्डनेस भी हमें फ्रेंड्स एकदम जीरो रखना है। एंड फोरग्राउंड कलर में हमें वाइट रखना है, हमें याद रहे फ्रेंड्स फोरग्राउंड में हमें वाइट रखना है। ब्रश का फ्लो कम रखना है एंड हार्डनेस भी हमें जीरो रखना है। नाउ फ्रेंड्स अब इस थंबनेल को हमें सिलेक्ट करना है, यानी मार्क्स वाले थंबनेल को सिलेक्ट करना है और हल्का हल्का हमें यहाँ पे फेरना है। मैं जैसे ही ब्रश को हल्का हल्का फेर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पिंपल है वो हाइड होना स्टार्ट हो चुका है। हमें ज्यादा नहीं फेरना है फ्रेंड्स, हमें हल्का हल्का यूं हमें फेरते जाना है। मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स एंड ऊपर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पिंपल्स नजर आ रहा था। जहां जहां आपको पिंपल्स नजर आ रहा है फ्रेंड्स हमें वहां पे हल्का हल्का फेर देना है। ब्रश का मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स एंड छोटा करने के बाद भी हमें यहाँ पे यूं इसे फेर देना है। जहां जहां आपको पिंपल्स नजर आ रहा है फ्रेंड्स हमें वहां पे फेर देना है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैं हल्का हल्का यूं फेर दे रहा हूं। नाउ फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिंपल है वो हाइड हो चुका है। यदि मैं इसे बिफोर एंड आफ्टर करके आपको दिखाऊं फ्रेंड्स तो आपको शायद क्लियर हो। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पहले इमेज कुछ इस टाइप से था एंड अब हमारा इमेज फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से हो चुका है। तो इस प्रोसेस का यूज करके फ्रेंड्स हम किसी भी फेस के पिंपल्स को हाइड कर सकते हैं। तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक करें एंड जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।